ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। जिन्होंने ई श्रम कार्ड अप्लाई किए थे उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से पहली किस्त 1000 रुपये आने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो किन किन लोगों के गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये की पहली किस्त आने वाला है और किन किन लोगों को अकाउंट में 1000 रुपये की पहली किस्त नहीं आने वाला है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये की पहली किस्त आने वाले थे 8 जनवरी से, अभी तक काफ़ी लोगों के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर लिया है उनके अकाउंट पर गवर्नमेंट की तरफ से पहली किस्त आने वाले हैं। किन किन लोगों को नहीं आने वाला है? जिन लोगों को पीएम निधि किसान योजना की तरफ से उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं, उनके अकाउंट में ई श्रम की योजनाएं की तरफ से 1000 रुपये की पहली किस्त और दूसरी किस्त नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों को किसी सारी योजना के पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, उनके अकाउंट में ई श्रम कार्ड के पैसे नहीं आएंगे। दूसरी नंबर, जिन लोगों के पास पीएफ अकाउंट है उन लोगों को भी ई श्रम कार्ड की पहली किस्त और दूसरी किस्त उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएंगे। और यहाँ पे ई श्रम कार्ड के लिए काफ़ी लोग स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया था, तो उन लोगों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका अभी तक लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। जैसे इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।